फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, बहुत दिन पहले की वीडियो में हमने आप सभी को बता दिया था लिक्विड, गैस एंड सॉलिड के बारे में। उनके बारे में मैंने उनका डिफिनेशन देकर उनको एग्जांपल के साथ समझाया था। बीच में कुछ वीडियो नहीं बन पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। अब मैं आप लोग के लिए प्रतिदिन वीडियो डालने की कोशिश जरूर करूँगी। आज जो हम लोग का वीडियो है वह है कि हमारे जो ठोस होते हैं उनके कौन कौन से गुण होते हैं, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, यानी कि जो ठोस आपको दिखते हैं। ठोस किसे कहते हैं? जिनका निश्चित आकार और आयतन होता है उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे कि आपको जो भी चीजें अभी दिख रही हैं यहाँ पर सब ठोस माध्यम में ही प्रेजेंट है। तो उनके क्या ऐसे स्पेशल गुण होते हैं जो लिक्विड के लिए होते हैं, जो गैसेस के नहीं होते हैं? आइए हम उन बातों पर चर्चा कर लेते हैं। पहला, इन सब क्वालिटी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड मैटर्स का क्या पहला क्वालिटी है? आकृति एवं आयतन, यानी कि शेप एंड वॉल्यूम। आपका पता, आपको डिफिनेशन से ही पता चल जाता है कि जो हमारे सॉलिड होते हैं उनकी जो शेप और वॉल्यूम होता है वो कैसा होता है? एकदम निश्चित होता है, यानी कि उसमें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनका आयतन और आकार एकदम निश्चित होता है। यह सॉलिड का प्रथम क्या है, प्रॉपर्टी है। सेकंड वन क्या है? सेकंड है घनत्व। घनत्व का अर्थ होता है डेंसिटी, यानी कि उसके अंदर कितनी डेंसिटी है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के अंदर जो होती है, सॉलिड में जो उसका घनत्व होता है वो हाई लेवल पे होता है। सॉलिड का डेंसिटी जो होता है हमेशा हाई होता है, याद रखिएगा। तीसरा है द्रव्यमान और क्वथनांक। दोस्तों, मैं इस पॉइंट पे एक अलग से इसके बारे में चर्चा करूंगी। यहाँ पे मैं बता देती हूँ द्रव्यमान और क्वथनांक क्या होते हैं। इसमें जो होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है द्रव का जो मेल्टिंग और सॉरी ठोस का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वह भी हाई लेवल पे होता है। अगला है कणों की अवस्था। आपको पता होगा जो ठोस के जो जितने भी ठोस जिन चीजों से मिलकर बना होता है, जो छोटे छोटे कण होते हैं वो कैसे होते हैं? वो सारे कण आपस में क्यों चिपके हुए होते हैं? किस कारण चिपके होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। जो कण होते हैं आपस में एकदम से चिपके हुए होते हैं, यानी कि कणों की अवस्था में, यानी कि स्टेट ऑफ पार्टिकल्स में हम लोग क्या लिख देंगे, स्टेट ऑफ पार्टिकल्स में हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी कण होते हैं ठोस के वो आपस में चिपके होते हैं, ठीक है। अगला है बहाव। बहाव का क्या मीनिंग होता है? फ्लो। फ्लो का अर्थ क्या होता है कि मतलब क्या क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन होता है क्या ठोस आसानी से बह सकता है? तो नहीं, ठोस आसानी से बह नहीं सकता है, फ्लो नहीं हो सकता है, क्योंकि ठोस जो होते हैं भारी होते हैं और वो उनके कण जो होते हैं पास में होते हैं। इसलिए जो ठोस होते हैं उनका बहाव या फ्लो भी कैसा होता है वह तेजी से नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, ये था प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के। सॉलिड के कुछ पांच गुण थे जो इम्पोर्टेंट थे। दोस्तों, मैं वही बताती हूँ, नहीं तो मैं फालतू की चीज़ नहीं लिखूंगी यार, ठीक है। तो जो आपको दिख रही हो सॉलिड के जो जितने भी प्रॉपर्टीज हैं वो यहाँ पर मैंने आप सभी को बता दिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड के प्रॉपर्टीज के बारे में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।